तो रेंज सेलेक्टिव की कैलकुलेशन के अंदर जो आता है वो आता है रेंज का सिलेक्शन, और रेंज का जो सिलेक्शन है VBA में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इस बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि रेंज को सेल को कैसे कॉल करते हैं। हमने पहली क्लास में बात की कि वर्कबुक को कैसे कॉल करते हैं, वर्कबुक पे कैसे काम करते हैं। दूसरी क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से हम शीट के ऊपर डिस्कस करते हैं, शीट को कॉल करते हैं, शीट को ऐड एडिट वगैरह करते हैं। अब बात आती है रेंज की, कि रेंज के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे। चलिए, हम रेंज की, हमने अपनी स्क्रीन आपको दे दी रेंज की क्लासेस के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको अंत तक जो क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे कर्सर को A1 पे लेके जाना है तो किस तरह की कोड लिखी जा सकती है। तो हमने विजुअल बेसिक पे क्लिक किया और हमने इंसर्ट किए मॉड्यूल, सब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ बाय के ओपन क्लोज। अब मुझे मान लीजिए A1 पे कर्सर रखना है, तो इसके लिए मैं क्लिक कर यहाँ लिखूंगा रेंज, और यहाँ हम करेंगे A1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। एक्टिवेट हम सिंगल सेल के लिए करते हैं, बट सेलेक्ट एक एक या एक सिंगल सेल के लिए करते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है सेल 1,1 डॉट सेलेक्ट। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर रेंज में चाहिए एड्रेस, अगर अल्फा न्यूमेरिक में पता है आपको A1B1C1D1, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है इसमें नंबर्स में कि भाई पहला नंबर रो, पहला नंबर कॉलम, तो उस केस में हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और इसका एक और आता है, वो आता है एक्टिव सेल, मतलब कि जहां सेल एक्टिवेट है दैट कॉल एक्टिव सेल। मतलब कि मैंने कर्सर यहां रख रखा है G8 पे, तो G8 इज द एक्टिव सेल, इसको डायरेक्ट कॉल कर लेगा। देन सिलेक्शन, तो इसके चार मेथड है इसमें। सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब कि हमने एंटायर सेल सिलेक्ट कर रखा है, तो सिलेक्शन अगर हम सिलेक्शन अगर यूज करेंगे तो जिक्र किसको करेगा, B2 से लेके E9 तक। तो बेसिकली ये चार रेंज के कंसेप्ट होते हैं। अगर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है तो आप इस मेथड को यूज करें, अगर आप नंबर्स में है तो इस मेथड यूज करें, अगर आप एक्टिव सेल को ट्रिगर करना चाहते हैं तो इसको, अगर आप सिलेक्टेड एरिया को करना चाहते हैं तो इसको यूज करना। ठीक है, राइट। अब बात बोलिए, यहाँ पे एक्टिव सेल को क्यों लिखे हैं? मैंने बताया कि एक्टिव सेल होता है जब आपका सेल जो एक्टिवेटेड है उसके लिए। जी, ओके ओके। ठीक है, आपको ये ना पता है किससे काम करना है, बस इतना पता है कि जो सेल जहां पे कर्सर है उससे करना है, समझ गए। अब एक एरिया को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, मुझे रेंज A1 से लेके G14 तक सिलेक्ट करना है, तो क्या कोड डालेंगे हम? यहां पे डालेंगे रेंज A1, जैसे नॉर्मली हम फॉर्मूला डालते हैं G14 डॉट फ्लैग। यहां पर हम फ्लैग नहीं लगा सकते, एक्टिवेट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि तो हमारा ये मल्टीपल सेल्स है। समझे? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। इसका अगला मेथड यहां पे कि रेंज A1,G1, G14। तो दूसरा तरीका है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये VBA का तरीका है। तो ये क्या करेगा, ये पहले A1 पे कर्सर को रखेगा, शिफ्ट को प्रेस करेगा और लास्ट में G1 पे क्लिक कर देगा।
समझे, A1 पे कर्सर रखा और सबसे लास्ट में जाके G1 पे क्लिक कर देगा, VBA मेथड है। और ऑटोमेशन के लिए डायनेमिक हम इसी कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑटो सिलेक्शन की बात करते हैं, मुझे कंट्रोल ए करना है, अगर मैं अपने डेटा को कंट्रोल ए करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंट्रोल ए है किस ऑप्शन को ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर करता है आपको फाइल एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल में करेंट रीजन को। तो हमें कोड क्या लिखना है, हमें लिखना है रेंज A1.currentRegion.select, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मुझे पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट करनी है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे हम सेल्स डॉट सेल। तो अगर सेल्स के अंदर में अपना नंबर एंड रो एंड कॉलम नंबर लिखा तो उसी पर्टिकुलर रो एंड कॉलम नंबर को सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने पूरा एंटायर शीट को सेलेक्ट कर लिया तो एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। क्लियर है, डाउट इसमें सर? सर मैंने तो डॉट सेलेक्ट कर दिया, देन अगेन सेल्स को डॉट सेलेक्ट क्यों किया सर? यार कोड समझा रहे हैं सर, एक कोड समझा रहे हैं, इस दो कोड को आपस में कनेक्शन नहीं है, समझ गए ना। हमने आपको बोला कि हम रेंज को स्टार से हैंडल करते हैं, रेंज से सेल से एक्टिवेशन और सिलेक्शन से, तो चारों कब यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। हमें अगर A1 रीजन पता है तो इसका यूज करेंगे, जैसे कि ये पता था हमें कि A1 से G14 करना है, हमें अल्फा न्यूमेरिक पे पता होगा तो इसका यूज करेंगे, एक्टिव सेल लेना है तो इसको, सिलेक्टेड एरिया लेना है तो इसको, राइट जी सर। आपने एक एरिया को सिलेक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, तो एरिया का एड्रेस पता है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्सेल का मेथड कहलाता है। अगर VBA मेथड में आपको डायनेमिक वगैरह करना है तो इस मेथड का यूज करेंगे, समझ गए। मुझे कंट्रोल ए करना है डेटा को तो हम इसका यूज करेंगे। मुझे कंट्रोल ए करने से क्या होता है कि सिर्फ एक डेटा सिलेक्ट होता है, मुझे पूरी की पूरी इंटायर शीट को सिलेक्ट करनी है तो उस केस में उस समय हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब समझ आया आपको? जी सर। उदाहरण इसमें अब सिलेक्ट करने की बात अगर हो गई तो मान लीजिए अगर आपने सर लास्ट वन एक सेल्स डॉट सिलेक्ट का कैसा होता है? वो पूरी की पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करता है, यहाँ वन और एक के बीच का ट्रायंगल होता है ना, उससे क्लिक कर देता है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने भी क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है मान लीजिए इसी को लेते हैं, तो अगर इसको टाइप अपने कर दिया तो एक्टिव सेल जो है, एक्टिव शीट जो है उसका सिलेक्ट करेगा। अब मान लीजिए मैं शीट 2 पे हूँ, मुझे शीट 3 के A1 से G14 को सिलेक्ट करना है, समझ गए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उस कोड को लिखने से पहले आपको उस शीट पे जाना होगा। तो शीट पे कैसे जाएंगे, तो लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था, हम यहाँ लिखेंगे कि शीट कौन सा शीट, तो शीट 3 या जो भी कॉलिंग मेथड पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो लिखेंगे, तो एक कोड इकट्ठा लेकर आएगा, तो पहले वो शीट 3 में जाएगा, देन वो आपका A1 से G1 को सिलेक्ट करेगा। अब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन की बात कुछ कर सकते हैं, अगर आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको चार्ट लगाना है, आपको पिवट लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको शॉर्टिंग करना है, तो फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट द डेटा। बात समझ रहे हैं सर? तो पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वही आपको हम सिलेक्ट करना सिखा रहे हैं। तो यहां से अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शीट फिक्स नहीं है, यहाँ पर फिक्स है आपका कि भाई शीट 3 के एवं लेना है, और आपसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप शीट 3 पे होंगे या नहीं होंगे, क्या अगर इस लाइन को अगर मैं रन करूं तो क्या होगा कि अगर शीट 2 पे है तो शीट 2 पे सिलेक्ट कर लेगा, शीट 3 पे हूं तो शीट 3 को सिलेक्ट कर लेगा, शीट 1 पे हूं तो शीट 1 को सिलेक्ट कर लेगा।
लेकिन मुझे फाइनल करना है कि नहीं सीट थ्री पे जाके सिलेक्शन करनी है, तो मुझे इसके पहले सीट थ्री देना पड़ेगा, सीट थ्री को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और आता है, ये आपका बुक वन में वर्क करेगा, मतलब कि जो आपकी एक्टिव बुक है, कौन सा बुक है, बुक वन। अगर आपने मान लीजिए कोई और बुक टू है, बुक थ्री पे हो, तो बुक थ्री के सीट थ्री पे चला जाएगा। तो आप ये भी फाइनलाइज करते हो कि बुक वन के सीट थ्री के ए वन से जी 14 को सिलेक्ट करे, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वर्क बुक और यहां पे आपका बुक वन डॉट एक्सेलेस डॉट एक्टिवेट। बट वो फाइल ओपन होनी चाहिए। अगर ऐसा लगा कि भाई हमारा बुक वन ओपन नहीं है, तो क्या करेंगे आप, यहां बुक वन ओपन करने का कोड डालेंगे, तब एक कोड वर्क नहीं करेगा। सर कौन कोड वर्क करेगा, यहां वर्क करेगा वर्क बुक डॉट ओपन और यहां पे आपका पाथ एंड फाइल नेम होगा, समझे, समझाया था आपको। यस सर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं कर सकते, अब एक साथ नहीं लिख सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वर्कबुक दे, यहाँ पे वर्कबुक देंगे, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं सर, कि लिखेंगे सीट का, फिर लिखेंगे रेंज। तो ध्यान रखिएगा ए आपका सिलेक्ट में मेथड में यूज नहीं होगा सर। हाँ, इसमें आप कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, अगर मुझे इसको जाके कॉपी करना है तो मैं डायरेक्ट कॉपी का कमांड डाल सकता हूं, समझे, बट सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने के जो आपके माउस मूवमेंट है, मेथड है, उसको तो आपको इस फॉर्मेट में ही यूज करना पड़ेगा। बट आपको वर्कबुक ओपन तो हर हालत में करनी पड़ेगी, आपका वर्कबुक ओपन है या आपको खुद से ओपन करना पड़ेगा, समझ गया सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट सर, नो डाउट, क्लियर है। तो वर्कबुक हैंडल करने की यूज हुआ। अब इसमें हमने नॉर्मल सिलेक्शन आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं कि एक सेल पे कोई वैल्यू कैसे टाइप करे किया जाएगा। एक सेल पे हमें वैल्यू कैसे टाइप किया जाएगा, तो जैसे हमने यहां पे लिखा रेंज ए वन डॉट वैल्यू। अब रेंज ए वन ले या एक्टिव सेल ले या सिलेक्शन ले या सेल्स ले, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू हमने मान ली कर दिया नहीं, अब यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रेंज ए वन इक्वल टू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर आप यहां लिख सकते हैं कि रेंज ए वन डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में से कोई यूज कर सकते। लेकिन किसी सेल की वैल्यू लेना है, जैसे मैं चाहता हूं ए वन पे एच वन का वैल्यू आना चाहिए, तो क्या होगा कि जो रिसीवर वैल्यू है, जैसे एच वन हमारा जो है ए वन पे वैल्यू डालनी है, लानी कहां से है, सी वन से लानी है, तो वो इक्वल की दूसरी तरफ होगा, एच वन से लानी है ना। हाँ, लिखेंगे रेंज H1 डॉट वैल्यू। अब यहां पे H1 के जगह पे H1 वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला कर दिए तो फर्क पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला दिएगा, जैसे कि अगर आप यहां पे मान लीजिए कि H1 पे अगर 20 प्लस 30 है, 50 रिजल्ट आया, तो अगर आप वैल्यू वाला यूज करते हैं तो क्या होगा,
इस पे 50 आ जाएगा, जस्ट नॉर्मल कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला करता हूं तो ये अंदर का जो फॉर्मूला वाला में दिखता है ना 20+30, यहाँ पे 20+30 हो रहा है। देखिए ये सेम चीज पे हो रहा है। अगर मुझे अनोदर शीट से चाहिए, मैं चाहता हूँ शीट 2 से चाहिए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा शीट और यहाँ पे शीट 2, समझ गए। तो इसमें तो मैंने लाइन में लाइन लिखने की जरूरत नहीं, एक साथ आप लिख सकते हैं। सर एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाइए ना। चलिए कुछ नहीं आया क्योंकि फॉर्मूला उस हिसाब से बना नहीं ना सर। एक्सक्यूट करने के लिए आपको वन बाय वन चलना पड़ेगा। देखिए जी मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे नेम आ गया ना सर, समझे। अभी काम करता हूँ, A1 के जगह पे मैं यहाँ पे V1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं C1 कर देता हूँ। सर जो फर्स्ट सब रूटीन है वो समझ में आ गई सर, नीचे वाली जो आपने रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज H1 डॉट वैल्यू है ना, एंड फॉर्मूला वो देखना था, वो वाला सब रूटीन। हाँ जैसे कि अगर आप ये सिंपल सी बात समझा रहा हूँ ना मैं आपको, यहाँ पे समझिए यहाँ मेरा 50 है, 50+70 राइट। अब मैं एक नया मैक्रो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, किसी कोड अलग लिखना पड़ा है। अगर आपने वैल्यू को लिया और यहाँ पे मैं इस केके को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि नॉर्मल 120 आया सर, क्योंकि ये फॉर्मूला है इसमें, ये नॉर्मल 120 है। अगर मैं इसमें वैल्यू को हटा के डॉट फॉर्मूला कर दिया तो उसकी फॉर्मूला को कॉपी करके फॉर्मूला लेके आ जाएगा बेटा। गॉट इट सर, थैंक यू। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली एक चीज और भी है कि मान लीजिए कि क्या फॉर्मूला में एड्रेस को चेंज करेगा। ये हमारा I1 है, I1+J1 है। अब मैं इसको रन करता हूं, मेरे हिसाब से नहीं करेगा। कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उस समय क्या होता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है ना सर। हाँ तो एग्जैक्टली फॉर्मूला ही पकड़ रहा है ना वो। जी हाँ, वो सीधे समझिए कि इसके अंदर जाएगा, सिलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा, फिर इसके अंदर आके पेस्ट कर देगा। राइट राइट, समझ गए। और सेम अनोदर शीट से लेके आते हैं तो भी होगा। अब जिस शीट पे लेके आना है, अब यहाँ पे बोलेंगे सर आपने इसमें इस शीट का नाम लगाया, तो बेसिकली इस माइक्रो को रन करते समय हमारा शीट 5 या शीट 4 एक्टिव होगा। अब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि शीट 4 एक्टिव ही होगा, हमें ये जो लाइनिंग है ये जो रन वैल्यू है मुझे जो इससे शीट टू के H1 की वैल्यू जो चाहिए वो हमें शीट 4 की A1 पे चाहिए। अब सी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रन करते समय शीट 4 हमारा एक्टिवेट होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जरूरी नहीं कि शीट 4 एक्टिवेट होगा तो आपको दोनों तरफ शीट का रेफरेंस देना होगा, समझे। और सेम अगर मान लीजिए मुझे बुक 2 से ओपन करना है, मतलब मुझे बुक 2 से डेटा लेके आना है, बुक 2 के सीट 2 के रेंज A1 से लाना है, तो इसके आगे हम लगाएंगे वर्क बुक और यहाँ पे बुक 2 डॉट xlsm जो भी पाथ है वो यहाँ पे हमने इनवर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं किया, लेकिन एक किससे आ रहा है, बुक 1 पे आ रहा है। तो अगर आप 100% श्योर है कि मेरा माइक्रो रन करते समय बुक 1 एक्टिवेट होगा तो देन एक कोड को लिख सकते हैं, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि भाई बुक 1 की जगह बुक 3 भी हो सकता है तो उस केस में आप यहाँ भी इसके आगे भी बुक 1 लगा सकते हैं, समझ गए। किसी को डाउट इस पे? नो डाउट सर।
तो अभी जो आज की अभी जो मैंने बताया आपको बताया कि हाउ कैन सिलेक्ट द योर रेंज, मतलब कि फिगर योर रेंज, मतलब कि रेंज को कैसे फिगर करेंगे, एक एरिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कैसे करते हैं, पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कैसे करेंगे। ओके सर, बताया कि आपको एक एरिया सीट और फाइल फिक्स है, तो उस केस में आप अगर सीट और रेंज और सीट या रेंज फाइल सीट को कैसे लेंगे, फाइल ओपन ही है तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ये हमने आपके सामने सिखाया। दूसरी बात सिखाया हमने आपको कि एक सेल पे हम कैसे कोई चीज को टाइप कर सकते हैं, कोई वैल्यू, कोई फॉर्मूला या कोई किसी तरह का अमाउंट टेक्स्ट। फिर हमने सिखाया कि एक सेल से दूसरे सेल से एक सेल पे वैल्यू कैसे लाया जाता है और वैल्यू एंड फॉर्मूला में क्या इफेक्ट है, ये हमने आपको समझाया। उसके बाद मैंने समझाया कि विथिन सीट में कैसे लेंगे, सीट टू सीट कैसे लाएंगे और फाइल टू फाइल कैसे डेटा लाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, जी सर, और सुझाव तो इसमें। अब इस पे हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट की, समझे? तो प्रोजेक्ट में हम आपके साथ एक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बारे में डिस्कस करेंगे? फॉर्म के बारे में। लेकिन उसके लिए हमें डायनेमिक रेंज सिलेक्शन को सीखना होगा। बट डायनेमिक रेंज सिलेक्शन को सीखने से पहले हमें सीखना होगा, हमें जो आज की जो क्लास है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस